एक दो घंटे तक मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो सच बोल दूँ डीएमसी मेरा आखिरी होप है यार ठीक होने का। डेढ़ बज रहे और बड़ी मुश्किल से व्लॉग एडिट किया, मन खराब भी हो रहा है और बहुत जोर की सुसु भी आ रही है, और अब ये गाड़ी के रुकने ही नहीं वाली यार, स्लीपर है ये, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ सुसु करने यार। ये देखो यार, बड़ी मुश्किल से एडिटिंग की मैंने अभी, ये मम्मा के फोन से शूट कर रही हूँ और बहुत मुश्किल से व्लॉग एडिट किया, डेढ़ बज रहे हैं रात के, और ये देखो रबड़ लगा के ऐसे चार्जिंग पे लगाया हुआ है क्योंकि चार्ज ही नहीं होता फोन यार, इतना खराब हो गया और इतनी मुश्किल से एडिट किया ना ये, अब अपलोडिंग पे लगाया पता नहीं कब अपलोड होगा। ये देखो क्या आ रहा है, चार्जिंग स्लो, क्या ही करूं यार, मैं शुक्र यार 2 बज रही और गाड़ी रुकी शुरू करने के लिए यार, आई एम सो हैप्पी यार, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा गॉल ब्लैडर फट रहे वाला था, गॉल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी मेरा यूरिनरी ब्लैडर फट रहे वाला था, इतनी खुशी हुई ना सुसु करके, इतनी तो मेरे को सिल्वर प्लेट की थी हुई अगर कसम से मम्मा, सुसु भी की चीज है ना मम्मा, किडनी भी की चीज है ना, गॉल ब्लैडर भी की चीज है ना, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर भी की चीज है ना। 5:30 हो रहे और हम लुधियाना पहुंच गए, एक्चुअली लुधियाना क्या डीएमसी पहुंच गए, देखो डीएमसी लुधियाना पहुंच गए, फोन की बैटरी बिल्कुल नहीं है, कभी भी डेड हो सकता है, और हम यहाँ पे होटल वगैरह ढूंढ रहे हैं पर यहाँ पे लोग बहुत लूटते हैं यार, अनजान जान यार लोग लूटेंगे ही, और मेरे को मेरा एक एक पैसा बहुत कीमती है यार, बहुत मेहनत से कमाया है, तो आई लुटाने का मन नहीं कर रहा हर जगह। 6 बज रहे और हम गलियों में भटक रहे हैं क्योंकि हमको कोई जेन्युइन होटल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, रूम देखना बाथरूम जैसा रूम है, न टेबल है न चेयर है न कुछ है, कोई जनरल सामान ही नहीं मम्मा यहाँ पे, मांगना पड़ेगा क्योंकि मांगना पड़ेगा, कम्बल रजाई क्या दी उसने, ये दोनों चीजें हमने खुद डाई। 8:15 हो रहे और मैं पेठे का जूस पी रही हूँ, फाइनली मेरे को पेठा मिल गया यहाँ पे, मम्मा बहुत मेहनत करके लाए, पहले गए बाजार सब्जी मंडी, वहाँ से पेठा लिया, फिर इसका जूस बनवाया, आप कितनी मेहनत करते हो यार, कोको के लिए रूम टूर दिखा दे, रूम टूर देते हो आपको, हम भी अच्छे यूट्यूबर है भाई, सबसे पहले हम रूम में एंटर करेंगे और रूम में आएंगी भांस पता नहीं क्यों, और यहाँ पे दीवारें देखो एकदम लग रहा है बाथरूम में आ गए, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पे हमको चेयर दी गई है, ना यहाँ पे हमको टेबल दिया गया है, हमको जो सामान रखना है नीचे रखना है, उसके बाद ये बेडशीट हमने अपनी लाके बिछाई है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, और नीचे इनकी एक वाहियात सी बेडशीट है जिसके ऊपर बैठने का मन नहीं कर रहा, उसके बाद अंकल ने दिया हमको ये बेकार सब दिख सकते मैला कचैला कंबल और रजाई जो कि इतना मैला है इसको हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा, फिर मामा ने आंदोलन किया कि हमको अच्छी साफ रजाई चाहिए, अंकल बोलते इतने में इतना ही मिलेगा इतने में क्या, जस्ट किडिंग, इतने में इतना नहीं मिलेगा, अंकल ये नहीं बोला, रकम मैं देता हूँ, देता हूँ दिया क्या देखे क्या? इतना गंदा मुझे लगता है ये रूम अंडर रिपेयरिंग है, बाथरूम कोई अंडर रिपेयरिंग नहीं है, ये है ही ऐसा, साबुन भी नहीं, कुछ भी नहीं, साबुन मतलब जितने पैसे हमने दिए ना ये रूम उतना भी नहीं है, ये रूम हमको 200 रुपए का मिलना चाहिए। ये है खिड़की और खिड़की के बाहर बहुत अच्छा नजारा है, ये है खिड़की के बाहर का उजाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पता नहीं कौन सा खदान है, और ये खुलता भी नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, और ये है शाही बाथरूम, यहाँ पे ना साबुन है ना यहाँ पे डस्टबिन है, एक बाल्टी और मगा दिया है, इसको धक्का मार के बंद करना पड़ता है और कुंडी इसकी काम नहीं करती, एक हैंगर बेचारे ने सुसाइड कर ली है, और ये एक जिंदा लाश पड़ी हुई है, और ये हमने अपने कपड़े लगे टांग दिए। कैसा लगा आपको रूम टूर, आप प्लीज इस रूम को 5 स्टार दीजिए, मेरा ब्रश देखना और पेस्ट देखना, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मुझे गरीब जन्म दिए, मैं अमीर हूँ, मेरे माँ बाप ड्रिलर मशीन है, अगर किसको दिखा रही है अमीरी की, एक बार सर्वाइकल ठीक होगा ना तेरे को मैं डस्टबिन में फेंकूंगी, बदतमीज, नीचे देख, नीचे से देख रही हूँ, दबा यहाँ से, नहीं करती मैं उसको, देखो मां क्या बदतमीज, आ जाओ मम्मा की लाडो, हम फिंगर से करेंगे ब्रश, चलो जस्ट किडिंग कर लेती हूँ यार, तो मुझे मुंह धोना है और मुझे चाहिए एकदम उबलता हुआ गर्म पानी, और पूरे फ्लोर में बस यहाँ गीजर लगाया, और ये खतरों का खिलाड़ी का राउंड पार करके जाना पड़ेगा, और मम्मा फर्स्ट कंटेस्टेंट है, मम्मा क्या कर रहे हो, बाल्टी क्यों लेके गई, खाली एक मग्गा पानी चाहिए उसमें, क्या कर रहे हो मम्मा यार, एक मग्गा पानी चाहिए उसमें, आप खड़े रहो यहाँ पे बतखों की तरह, ये लो इतनी दूर से का शॉट मार रहे हो, बाल्टी ऐसे लेके गए जैसे फाइनल राउंड है आपका, मतलब फाइनल राउंड में लोग ज्यादा दिखाते हैं ना कि भाई हम बड़े दिलेर हैं, देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये फाइनल राउंड है तो मेरी जान छोड़ देंगी एक मग्गी चाहिए यार, ये मैं हूँ, सूर्य देवता है, सूर्य देवता प्रणाम, और ये है मेरा अस्पताल जहाँ मैं अपने आपको दिखाने जा रही हूँ आज, तो मैं तैयार हो गई हूँ, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल, मे गॉड ब्लेस यू विद अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, वाह, तो मैं खा रही हूँ ड्राई आलू का परांठा और साथ दही, दूसरा वाला दही मांगो ना यार,
बहुत मुश्किल से वाला आईफोन वाला ब्लॉग अपलोड हुआ, रात से अपलोड करी थी, अब जाके हुआ। और हमारा को तो दोनों परांठे खा के टूल हो गए। और मैं भी कल के ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ जिसमें मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिला है। उठो ना, क्या परांठे खा के सो गए दोनों यार, इतने कितने परांठे ठूसे, क्या कर रहे हो यार। तो मेरा नंबर आया 102, तो मतलब उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट आपकी 8 बजे, आप 8 बजे आना, तो पूरा दिन अब हम फ्री हैं, अब हम दुख निवारण साइड जा सकते हैं। ये देखो यार, रूम में कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं पसंद मेरे को। परांठे खाए थे कि नशे किए थे मम्मा, दर्द ना तब कर। वहाँ चाय बन रही है और यहाँ मैं नारियल पानी पी रही हूँ। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। मम्मा की हालत काफी खराब होगी, उनके लिए मैं फ्रूट ले जा रही हूँ और खुद में नारियल पानी पी के आ रही हूँ। हाउ आर यू फीलिंग मैडम जी, बीमार? मम्मा को उल्टियाँ वगैरह लगी है, बीमार हो गए मम्मा भी। तो हम जा रहे हैं दुख निवारण साहिब, अपने दुखों का नाश करने हैं। फाइनली दुख निवारण साहिब हम पहुँच गए। पिछले 2.5 सालों से मैं आना चाहती थी पर आ नहीं पाई कभी, और अब जाके आई हूँ। बाबा जी इस बार सब ठीक कर दो प्लीज। मैंने गुरुद्वारे की स्टोरी डाली और यहाँ पे सब्सक्राइबर आगे मिलने। हेलो, मेरा यहाँ पे एक फोटो अच्छा नहीं आया, किसी ने जो फोटो नहीं खींचा। सब्सक्राइबर्स के पास आईफोन है, उनके आईफोन को कोई फायदा नहीं हुआ। दुख निवारण साहिब गए थे, उसके बाद बाजार गए। सब्सक्राइबर्स जो 2 मिले थे उन्होंने शॉपिंग करवाई, मतलब मेरे को ट्रैक सूट लेने थे उन्होंने वो दिलवाए। अब हम होटल जा रहे हैं वापस। मेरे 3 काम पूरे होने वाले हैं आज। 7वीं गाइड तो मैं फॉलो कर रही हूँ, दूसरा दुख निवारण साहिब होके आ गई, और तीसरा नॉर्थ के सबसे बेस्ट गैस्ट्रो डॉक्टर को मिलने वाली हूँ और वो फुली ठीक हो जाऊंगी। अब तो 1-2 घंटे तक मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो सच बोल दूँ, DMC मेरा आखिरी होप है यार ठीक होने का। अगर मैं यहाँ से ठीक होती हूँ तो ठीक है, नहीं होती हूँ तो फिर मेरे पास कोई होप नहीं है। अगर इस जगह आके भी ठीक नहीं हुई फिर हम एक नया होप ढूंढेंगे जिंदगी जीने का। हो जाओगे ठीक? ओ बिल्कुल, रब पे भरोसा। काफी लोगों ने बोला कि DMC आओ दिखा जाओ। नॉर्थ का 10 डॉक्टर यहाँ पे है गैस्ट्रो का, और पिछले 1 महीने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है कि मतलब मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ अंदर से। अगर मैं इधर से भी ठीक नहीं होती हूँ तो फिर मतलब हो जाऊंगी। अगर यहाँ से भी ठीक नहीं हुई तो फिर एक नया होप ढूंढेंगे जिंदगी जीने का। पर लिटरली मेरा लास्ट होप है, अगर मैं यहाँ से ठीक नहीं होती हूँ तो मेरे पास कोई होप नहीं है यार। मैंने सुना कि वाला डॉक्टर ना पेशेंट्स के मन की बात सुनता है, और आज तक मुझे जितने डॉक्टर्स मिले उन्होंने बताया थे रफा दफा ही किया मेरे को आज तक। तो देखती हूँ कि मेरे मन की बात सुनते कि नहीं। यार सब्सक्राइबर्स मिले, मतलब वही जो जिनको मिले थे उन्होंने हमारा काम काफी इजी कर दिया, मतलब डॉक्टर से मिलने का। इतनी खुशी हुई ना, बाल्टी देखना ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं फाइनल राउंड है आपका। बाल्टी देखना ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं फाइनल फाइनल नहीं निकल रहा मुझे यार। बाल्टी पता नहीं ऐसे लगेगा जैसे फाइनल फाइनल। मैंने सुना कि वाला क्या यार, क्या बोला जाती हूँ मैं। मैंने सुना कि वाला डॉक्टर और